दोस्तों, जब हम कवर करेंगे हॉलीवुड के टॉप 10 जायंट मॉन्स्टर एंड क्रिएचर मूवीज़ को, जिनके अंदर आपको तरह तरह के बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली मॉन्स्टर्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जिन्हें देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इस तरह के मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से इन्हें दिखाया जाता है, कुछ समय के लिए हम इनकी काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं। और अगर आप इसी तरह की दुनिया की सबसे बेहतरीन मूवीज़ को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसी मूवीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आपको पूरी तरीके से चौंकाने के साथ कमाल का एक्सपीरियंस भी देंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, ताकि आपको आपकी फैंटेसी से मिलती जुलती मूवी मिल जाए। नंबर 10 पर है मॉन्स्टर ट्रक्स, जो कि आई थी 2016 में। ये एक एडवेंचर एक्शन मूवी है। मूवी में कहानी है ट्रिप नाम के एक लड़के की, जिसे ट्रक्स का बहुत शौक होता है। एक दिन उसे अपने गैराज में एक मिस्टीरियस क्रिएचर मिलता है, जो कि जिंदा रहने के लिए ऑयल पीता है और ट्रिप के ट्रक के लिए इंजन का काम करता है, लेकिन उसके पीछे कुछ खतरनाक लोग भी पड़े हुए होते हैं। वो मॉन्स्टर कहां से आया है और ट्रिप उसे किस तरह से उन खतरनाक लोगों से बचाएगा, आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। इस मूवी में दिखाया गया मॉन्स्टर काफी ज्यादा कूल है, जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इस मूवी को IMDb पे 5.7/10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। चाहो तो आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पे भी देख सकते हो। नंबर 9 पर है द ग्रेट वॉल, जो कि आई थी 2016 में। एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। मूवी में कहानी है बहुत ही खतरनाक और बड़े बड़े ग्रीन मॉन्स्टर्स की, जो कि कई साल बाद धरती में आकर लोगों को मारकर खाते हैं। लेकिन इस बार उन्हें रोकने के लिए चाइना ने बहुत बड़ी आर्मी को तैयार किया है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा चालाक और ताकतवर हैं। ऐसे में उनकी मदद करने के लिए एक हाई स्किल्ड मर्सनरी वॉरियर सामने आता है, लेकिन उन मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है। तो क्या वो लोग उन्हें रोक पाते हैं या नहीं, आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। इस मूवी में आपको जबरदस्त एक्शन और माइंड ब्लो कर देने वाले सीन्स देखने के लिए मिलेंगे। इस मूवी को IMDb पे 5.9/10 की रेटिंग मिली और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पर है क्लैश ऑफ द टाइटन, जो कि आई थी 2010 में। एक फैंटेसी एक्शन मूवी है। मूवी में कहानी है पर्सियस नाम के एक डेमीगॉड की, जो कि ईश्वर से नफरत करता है, क्योंकि उनके बेतुके नियम के चलते उसने अपना परिवार खो दिया और ईश्वर धमकी देते हैं कि अगर इंसानों ने उन्हें नहीं पूजा तो वो एक खतरनाक मॉन्स्टर क्रैकन को रिलीज करके सभी मनुष्य जाति को खत्म कर देंगे। ऐसे में पर्सियस उनके धमकी का जवाब देने के लिए निकल पड़ता है एक खतरनाक सफर में। रास्ते में उसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। इस मूवी में दिखाए गए मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स काफी ज्यादा खतरनाक है। इस मूवी के अभी तक टोटल 2 पार्ट आए हैं। इस वाले पार्ट को IMDb पे 5.8/10 की रेटिंग मिली और मूवी हिंदी में अवेलेबल है। चाहो तो आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पे भी देख सकते हो। नंबर 7 पर है गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, जो कि आई थी 2019 में। एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। मूवी में कहानी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक 3 सर वाले मॉन्स्टर किंग गिडोरन और रोडन की, जो कि पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। ऐसे में मोनार्च के मेंबर्स और जूलॉजिस्ट के पास उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, गॉडजिला। तो क्या गॉडजिला उन खतरनाक मॉन्स्टर्स को रोक पाता है या नहीं, आप देखिए इस मूवी में। गॉडजिला के अभी तक बहुत से पार्ट आए हैं। इस वाले पार्ट का VFX और विजुअल्स काफी ज्यादा जबरदस्त है। इस मूवी को IMDb पे 6.0/10 की रेटिंग मिली और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। चाहो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हो। नंबर 6 पर है कॉन्ग स्कल आइलैंड, जो कि आई थी 2017 में। एक एडवेंचर एक्शन मूवी है। मूवी में कहानी एक रिसर्च टीम की, जिन्हें एक मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में जानने के लिए वो उस स्कल आइलैंड में पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा किंग कॉन्ग हमला कर देता है, जो कि हद से ज्यादा बड़ा होता है। अब बचे हुए लोग उस किंग कॉन्ग के बारे में और भी जानने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि किंग कॉन्ग के अलावा वहाँ और भी खतरनाक क्रिएचर्स हैं। ऐसे में क्या वो लोग कभी वहाँ से बचकर वापस आ पाते हैं या नहीं, आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। इस मूवी में आपको बड़े बड़े मॉन्स्टर के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट्स देखने के लिए मिलेंगे। इस मूवी को IMDb पे 6.6/10 की रेटिंग मिली और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। चाहो तो आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पे भी देख सकते हो। नंबर 5 पर है वेनम, जो कि आई थी 2018 में। एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी में कहानी एक जर्नलिस्ट की, जो कि एक लाइफ फाउंडेशन के CEO का पर्दाफाश करना चाहता है, क्योंकि उसे शक है कि वो कोई गैरकानूनी काम कर रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो एक खतरनाक एलियन सिम्बायोटिक के संपर्क में आ जाता है और एक जायंट एलियन मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है, आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। इस मूवी में आपको एक काफी फनी और खतरनाक एलियन मॉन्स्टर देखने के लिए मिलेगा। इस मूवी को IMDb पे 6.7/10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है लव एंड मॉन्स्टर्स, जो कि आई थी 2020 में। एक कॉमेडी मॉन्स्टर मूवी है। मूवी में कहानी है जॉल डॉनसन नाम के एक डरपोक लड़के की, जो कि मॉन्स्टर एपोकलिप्स के बाद बचे हुए लोगों के साथ छुपकर बंकर में रहता है, क्योंकि अब धरती पर मॉन्स्टर्स का कब्जा है। ऐसे में 7 साल बाद उसकी बात अपनी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड से होती है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, और वो उसकी कॉलोनी से 85 माइल्स दूर रहती है, और जोल के पास भी कुछ खास करने के लिए नहीं होता, तो वो निकल पड़ता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। तो इस सफर के दौरान उसके साथ क्या क्या होता है, आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। ये मूवी बहुत ही ज्यादा फनी, हार्ट टचिंग और इमोशनल है।
जिसे देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। इस मूवी का IMDb पे 7.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हो। नंबर 3 पर है फैंटास्टिक बीट्स एंड वेयर टू फाइंड देम, जो कि आई थी 2016 में, एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। मूवी में कहानी एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और मैजिशियन न्यूट की, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में जाता है ताकि वो वहां के कुछ खतरनाक मैजिकल क्रिएचर्स को पकड़ सके जो कि पूरे न्यूयॉर्क सिटी को तबाह करना चाहते हैं। ऐसे में क्या न्यूट उन्हें रोक पाता है या नहीं, आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। इस मूवी में आपको अलग अलग तरह के क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स देखने के लिए मिलेंगे और ये मूवी हैरी पॉटर मूवीज की फ्रेंचाइजी का हिस्सा है, तो आपको जबरदस्त मैजिक्स भी देखने के लिए मिलेगा। इस मूवी के अभी तक टोटल 2 पार्ट आए हैं। इस वाले पार्ट को IMDb पे 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पे भी देख सकते हो। नंबर 2 पर है अ मॉन्स्टर कॉल्स, जो कि आई थी 2016 में, एक फैंटेसी ड्रामा मूवी है। मूवी में कहानी एक 12 साल के लड़के कॉर्नर की, जिसकी मॉम एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही है और उसे स्कूल में भी कुछ बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ऐसे में एक दिन उसके घर के पास का एक बहुत पुराना पेड़ जाग उठता है और एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है और उसे कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाता है। अब वो कहानियां क्या है, आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। ये मूवी बहुत ही ज्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। इस मूवी को IMDb पे 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 1 पर है मॉन्स्टर इंक, जो कि आई थी 2001 में, एक कॉमेडी फैंटेसी मूवी है। मूवी में कहानी है दो मॉन्स्टर बेस्ट फ्रेंड सुले और माइक के, जो मॉन्स्टर इंक नाम की कंपनी में टॉप में रैंक कर रहे होते हैं। वो एनीवेयर डोर की मदद से इंसानी बच्चों के रूम में जाते हैं और उन्हें डराते हैं। बच्चे उनसे जितना ज्यादा डरते हैं उनकी रैंक उतनी ही हाई हो जाती है। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात एक ऐसी बच्ची से होती है जो उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती, जिसके बाद उनके साथ जो कुछ भी होता है आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। ये मूवी बहुत ही ज्यादा फनी और यूनिक है और इसमें दिखाया गया ह्यूमन और मॉन्स्टर रिलेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इस मूवी का अभी तक टोटल 2 पार्ट आए हैं। इस वाले पार्ट को IMDb पे 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे Disney+ Hotstar पे भी देख सकते हो। अगर आप इसी तरह की जबरदस्त मूवीज के लिए चाहते हो तो ऊपर वाले वीडियो पर टैप करें, नहीं तो आप नीचे वाले वीडियो से बेस्ट 18+ एडल्ट मूवीज की लिस्ट भी देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं आपको और किस तरीके की मूवीज लिस्ट चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इन फिल्मों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।